फ्रेंड्स, मैं रिचा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि सिंगर स्विंग मशीन में आप कैसे बहुत ही आसानी से साड़ी में फॉल लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगी कि कैसे आपको मशीन की सेटिंग करनी है और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे पूरा देखें जिससे कि आपको सारी सेटिंग्स अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साड़ी में फॉल लगाने से पहले आप फॉल को एक बार अच्छे से वॉश करें ताकि उसे जितना भी सिकुड़ना होगा वो सिकुड़ जाएगी, और जब फॉल सूख जाए तो उसे आयरन कर लें ताकि जितनी भी सिकुड़न है वो सब चली जाए। तो मैंने फॉल में आयरन कर लिया है। अब जो इसके किनारे हैं उन्हें भी हम थोड़ा थोड़ा सा मोड़ के उसमें भी आयरन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ के किनारियों को थोड़ा थोड़ा सा मोड़ के इसे भी आयरन कर लिया है। तो चलिए अब हम साड़ी में फॉल लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम बॉबिन में साड़ी की मैचिंग का थ्रेड फिल कर लेंगे, और स्विंग मशीन में भी मैंने साड़ी की मैचिंग के थ्रेड को डाल लिया है। बॉबिन को कैसे फिल करना है और मशीन में हमें थ्रेड कैसे डालना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए बॉबिन को बॉबिन केस में लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी में नीचे की साइड में फॉल लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लेंथ डायल को 3 से 4 नंबर के बीच में सेट कर दिया है। उसी के साथ ही हम पैटर्न सेलेक्टर डायल को स्ट्रेट स्टिच पे सेट कर देंगे। स्ट्रेट स्टिच सबसे फर्स्ट स्टिच है, और उसी के साथ ही टेंशन नाप को हम 4 से 3 के बीच में सेट कर देंगे। तो अब हम साड़ी में एक हाथ का गैप छोड़कर फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ से फॉल लगाना स्टार्ट करना है। तो अब हम फॉल को साड़ी के ऊपर रख के इसे प्रेशर फुट के नीचे अच्छे से दबा लेंगे। अब हमें स्ट्रेट स्टिच करते हुए नीचे की साइड में पूरी साड़ी में फॉल लगाते जाना है। आप स्टिच लेंथ को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा या घटा भी सकते हैं। साड़ी को फॉल के साथ एडजस्ट करते हुए आप थोड़ा थोड़ा सा साड़ी लेकर उस पर स्टिच करते जाएं। इसी तरह से आपको पूरी साड़ी में नीचे की तरफ फॉल लगा लेना है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से साड़ी में ब्लू बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बॉबिन में थ्रेड को चेंज कर लेती हूँ और ब्लू कलर इसमें फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉबिन में ब्लू कलर को फिल कर दिया है और मशीन में भी ब्लू कलर का थ्रेड डाल लिया है। तो अब हम वापस से फॉल को लगाना स्टार्ट करते हैं। आपको सेम तरीके से स्ट्रेट स्टिच करते हुए नीचे साड़ी में फॉल लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, नीचे की साइड में साड़ी में फॉल लग के रेडी हो गई है। तो अब हम साड़ी को बाहर निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट स्टिच से नीचे की साइड में साड़ी में अच्छे से फॉल लग गई है। तो अब हमें साड़ी के ऊपर की साइड में फॉल लगाना है, लेकिन ऊपर की साइड में फॉल लगाने से पहले आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप करना है। आपको किसी फ्लैट सरफेस पे इस तरह से अपनी साड़ी को रख लेना है, और सुई में धागे को डाल के हम एक बार फॉल में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस स्टेप को करने से फॉल में जो झोल वगैरह आ जाता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और एकदम स्मूथ आपकी साड़ी में फॉल लगेगी। आपको हाथ से साड़ी को अच्छे तरह से एडजस्ट करना है ताकि इसमें कोई भी झोल ना पड़े, और हम पूरी साड़ी में ऊपर की साइड में ऐसे दूर दूर कच्ची सिलाई कर लेंगे। इस कच्ची सिलाई को हम मशीन से फॉल लगाने के बाद में खोल देंगे। तो अगर फॉल लगाते टाइम आपकी साड़ी में झोल पड़ जाता है तो आप इस स्टेप को एक बार ज़रूर करें, इससे आपकी साड़ी में कभी भी झोल नहीं पड़ेगा। कच्ची सिलाई लगाते हुए बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको फॉल से थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे कच्ची सिलाई लगानी है। ऐसा करने से आपको बाद में मशीन से फॉल लगाने में आसानी रहेगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पूरी फॉल में कच्ची सिलाई लगा ली है। तो अब मैं साड़ी को सीधा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि साड़ी में बिल्कुल भी कहीं पे झोल नहीं पड़ा है। तो अब जब आप मशीन से फॉल लगाएंगे तो आपकी साड़ी में एकदम परफेक्ट फॉल लगेगी। तो अगर आप कच्ची सिलाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के जो पिन आते हैं उन्हें भी दूर दूर साड़ी में लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कच्ची सिलाई लगा के ही हमेशा फॉल लगाएं, क्योंकि पिन्स लगा के भी फॉल लगाने पे कभी कभी साड़ी में झोल आ जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग जिग जैग स्टिच सेलेक्ट करके पूरी साड़ी में फॉल को लगा लेते हैं, लेकिन जिग जैग स्टिच से फॉल लगाने पर साड़ी में ऊपर की साइड में बहुत ही भद्दा लुक आता है। तो मैं आपको किनारे पर थोड़ा सा जिग जैग स्टिच से फॉल लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जिग जैग स्टिच को सेट कर लिया है और लेंथ को मैंने 2 पे सेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं किनारे पे जिग जैग स्टिच से फॉल को लगा लेती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे की साइड से जिग जैग स्टिच का लुक कैसा आता है। तो
तो आप सब लोग देख सकते हैं कि जिगजैग स्टिच से ऊपर कितना बेकार लुक आ रहा है। जिगजैग स्टिच साड़ी में ऊपर की साइड में पूरी दिख रही है, जो कि फॉल लगाने का सही तरीका बिल्कुल नहीं है। हम हाथ से भी जब फॉल लगाते हैं तो हम छोटी छोटी सी तुरपाई करते हैं ताकि ऊपर बहुत ही छोटे छोटे से टाँके दिखें। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि आप स्विंग मशीन से बिल्कुल हाथ के जैसे फॉल को लगा सकते हैं और ऊपर की साइड में एकदम छोटे छोटे से टाँके आएंगे। तो हमें पैटर्न सेलेक्टर डायल को ब्लाइंड हेम स्टिच पे सेट कर लेना है और लेंथ को हम 4 नंबर पे सेट कर देंगे। तो अब इस स्टेप को आप एकदम ध्यान से देखिए, आपको साड़ी को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि फॉल का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर की ओर निकला रहना चाहिए और साड़ी थोड़ा सा पीछे की ओर रहनी चाहिए। तो मैंने जो फॉल में कच्ची सिलाई लगाई थी वो यहाँ पे काम आएगी। अब फॉल और साड़ी अपनी जगह से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेंगे और हम बहुत ही आसानी से साड़ी में फॉल को लगा सकेंगे। तो अब हमें साड़ी को इसी पोजीशन में प्रेशर फुट के नीचे रख लेना है। तो मैंने फॉल में कच्ची सिलाई थोड़ा सा नीचे से लगाई थी, तो जो फॉल का आगे का हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आया है और साड़ी को हमें फॉल के थोड़ा सा पीछे की साइड में रखना है। तो अब मैं आपको एकदम स्लो मोशन में पहले स्टिच दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो 4 स्टिच हैं वो फॉल के ऊपर आएंगे और जो हमारी 5वीं स्टिच है वो साड़ी के ऊपर आएगी। तो आप एकदम ध्यान से देख सकते हैं, जो 5वीं स्टिच है वो साड़ी के ऊपर से आई है। उसके बाद वापस से 4 स्टिच हमारी फॉल के ऊपर आएंगी और 5वीं स्टिच साड़ी के ऊपर आएगी। इसीलिए हमें फॉल के हिस्से को थोड़ा सा आगे की साइड में रखना है ताकि जो 4 स्टिच हैं वो फॉल के ऊपर आएँ और बाकी जो 5वीं स्टिच है वो साड़ी के ऊपर आएगी। तो इसी तरह से हमें पूरी साड़ी में फॉल को लगा लेना है। तो अब साड़ी और फॉल को एडजस्ट करते हुए बहुत ही धीमे धीमे इस स्टिच को पूरी साड़ी में कर लें। तो यहाँ पे मैंने लास्ट तक स्टिच को कर लिया है। अब हम साड़ी को बाहर निकाल लेंगे और हम साड़ी के किनारे पर भी इसी तरह से फॉल को लगा लेंगे। तो फॉल का हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकला होना चाहिए और साड़ी थोड़ा सा पीछे की साइड में रहनी चाहिए। तो हम किनारे पर भी ब्लाइंड हेम स्टिच कर लेंगे। किनारे पर भी फॉल लग चुकी है, तो अब हम साड़ी को बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कच्ची सिलाई करी थी उसे हम खोल देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि साड़ी में कैसी फॉल लग के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि साड़ी में एकदम अच्छे से फॉल लग के रेडी हो गई है। जैसे हम हाथ से तुरपाई करके साड़ी में फॉल लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सिलाई मशीन से हमारी फॉल लग चुकी है। तो अब मैं साड़ी में थोड़ा सा आयरन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि साड़ी में किस तरह से फॉल लगी है। तो आप देख सकते हैं कि साड़ी में ऊपर की साइड में दूर दूर एकदम छोटे छोटे टाँके लगे हैं। अगर आप जिग जैग स्टिच या फिर सिंपल स्टिच से ऊपर फॉल लगाते तो वो बहुत ही बेकार साड़ी का लुक आता। तो आप कभी भी जिग जैग स्टिच से साड़ी में ऊपर की साइड में फॉल मत लगाएं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सिलाई मशीन से कितनी अच्छी फॉल लग के तैयार हुई है और साड़ी में बिल्कुल भी कहीं पे झोल नहीं आया है और सिलाई मशीन से बहुत ही जल्दी फॉल लग के तैयार हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। सिंगल स्विंग मशीन से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोज मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोज की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकें। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।